हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। होप यू ऑल गाइज आर गुड। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने लक्ष्य की बात कर ली थी, जो कि मोटिवेशन से जुड़ा हुआ था, आज उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग उसके पहले चरण पे आते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन एग्जाम है। आप लोगों को इसमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कि आपका स्टडी प्लान होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब आप लोगों के पास 5 से 6 महीने रह गए हैं, उसमें आप लोगों को स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी प्लान होना चाहिए, ये कि आप लोग स्टडी आवर्स दे सकते हैं अपना और आप लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको आने हैं, जो कि उसमें सबसे पहले आता है जीएस, जो कि आपका 50 नंबर का आने वाला है और यही आप लोगों का स्कोर डिसाइड करेगा फाइनल मेरिट तक। देखिए, 50 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोग जितना भी अपना स्टडी प्लान कर रहे हैं उसमें आपको 50% आपको जीएस को देना पड़ेगा, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। और जीएस में आप लोग कितना भी पढ़ लें, लेकिन आप लोगों के वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन ही देखने को मिलने हैं। तो किस तरीके से जीएस का स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या बुक्स इसके लिए बेस्ट रहेंगी, वो मैं बुक्स को आपको एक्सप्लेन अच्छी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, और बुक भी लेकर आऊँगी जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जीएस बेस पे हो, क्योंकि इसमें जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है और आप लोग इसी के भी आप पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं जीएस। जीएस आपकी पांच पार्ट्स में डिवाइड रहती है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट आपको पता ही है कि उसके अंदर करंट अफेयर आता है, पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक आती है, स्टेटिक जीके आती है। अब जो स्टेटिक जीके होती है वो करंट से रिलेट करके बनाई जाती है, ये अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, स्टेटिक जीके के आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं हर एग्जाम में। लेकिन अभी हम लोग दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को करंट के कितने क्वेश्चन आए थे और पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आए थे, इनका जो वेटेज होता है बहुत ज़्यादा होता है इसके सिलेक्शन के लिए। आपको मैं अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जीएस के लिए चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँ, जो आप लोगों के सिलेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगी, क्योंकि वो किस तरीके से मैंने स्कोर किया था मैं आप लोगों को उसको अच्छी तरीके से बताऊंगी, आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन अभी आपको जो अपना स्टडी आर आपने बनाया है उसमें से आपको 50% जीएस को देना ही है, ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। अभी जो स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट करी नहीं है या जो करने वाले, अभी मैं आपको ये मेरी जो वीडियो एलिमिनेशन के ऊपर फोकस करती है कि आपको क्या चीज़ मैं एलिमिनेट कर रही हूँ और क्या चीज़ आपको अभी रिक्वायर है पढ़ने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आफ्टर जीएस। जीएस जैसे 50 नंबर का आएगा, उसके बाद आपको 25 नंबर का आपका रीजनिंग आने वाला है। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, उनके लिए भी इजी है, और जो प्रीवियस जो एस्पिरेंट है जो इसकी तैयारी करते आ रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की, उन लोगों ने जीएस कर भी लिया, वो रीजनिंग कर भी लिया होगा। लेकिन जो रीजनिंग में मेनली पार्ट क्या होता है, प्रैक्टिस का काम होता है। जो लोग नए आए अभी, वो लोग रीजनिंग के लिए ऑनलाइन डाउट्स ले सकते हैं, रीजनिंग के चैप्टर वाइज इसको सॉल्व कर लिया, तो आप लोगों की केवल और केवल इसमें प्रैक्टिस बच जाती है, क्योंकि जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा रीजनिंग में पूछे गए थे। तो आप लोगों को जो टाइम आपने मैनेजमेंट किया है इसमें, तो उसमें सबसे बेहद आप लोगों को जरूरी है कि अब 25% आपको रीजनिंग को देना है। इनका टाइम है वो आप लोग 2 आवर कंप्लीट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि 2 आवर में आप लोगों को 30 मिनट्स हैं जो, तो वो आपको केवल ऑनलाइन डाउट्स लेने हैं कि जो आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है उसकी आप लोगों ने क्लास ली, एक आधा घंटा उसके लिए इनाफ है, उसके बाद आप लोग 1.5 घंटे रीजनिंग के प्रैक्टिस में लगाएंगे, क्योंकि रीजनिंग आपका जीएस के बाद काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आप लोगों के स्कोर वहाँ पे बढ़ने वाला है। तो आपके 75 नंबर ऑलमोस्ट इससे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स वाले पोर्शन की। मैथ्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन इतना नहीं कि आप इसमें अपना पूरा टाइम दे देंगे। मैथ्स को भी मैं बोलूँगी कि आपको 1.5 घंटा देना है, 2 घंटे देने ही है। वो ऐसे हैं कि आपको आधा घंटा या फिर 1 घंटा आप लोग इसका डाउट्स दे सकते हो, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है। और जो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन, किस तरीके का पैटर्न आया था मैथ्स में, जो अर्थमेटिक और एडवांस आता है, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे गए थे। तो अब इस बार भी ये पैटर्न होने वाला है सेम जो प्रीवियस ईयर में अभी हमारे टाइम पे रहा था लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि मैथ्स में आपके जो अर्थमेटिक आने वाला है, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स में से आप लोगों के कैलकुलेशन जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे। उसके लिए मैं आपको लोगों को एक बुक प्रीफर कर दूंगी जो कि इजी लैंग्वेज में होगी और आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस अभी आपको नहीं करना है मैथ्स में, या फिर ऑनलाइन मॉक अभी नहीं देने, उसके लिए मैं आगे प्रोसेस बताऊंगी आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैथ्स के बाद जो रह जाता है हमारा कंप्यूटर 10 मार्क्स का। अब आपका 90
परसेंट जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है। अब आप लोगों को 90% में इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सबकी पर्सनल एक वीडियो भी लाऊंगी आप लोगों के लिए, लेकिन अभी आपको जो मैं टाइम आप कहीं इधर उधर गंवा रहे होंगे तो इसलिए मैंने ये अभी आपको वीडियो बनाई है। अब हम लोग इसकी कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में आपको मेनली अभी मैं बोलूँगी कि अभी आप कंप्यूटर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर में जब एंड में हमारा एग्ज़ाम होगा आपका, तब आप लोग इसको थोड़ा बोर होने लग जाएंगे। कंप्यूटर में आप लोग लास्ट के 2 महीने इनाफ है आप लोगों के लिए, क्योंकि कंप्यूटर में जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, जनरल कंप्यूटर नहीं आया था। मैं आपको पहले बता देती हूँ, सब लोग बोलेंगे यहाँ से जनरल थ्योरी वगैरह कर लें, वो नहीं आया था। और एडवांस लेवल का कंप्यूटर आएगा जो कि आप लोग के जब 1.5 से 2 महीना रह जाएंगे एग्जाम के, तब आप उसको कंप्लीट करेंगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और आप लोगों को जो, क्योंकि जो लास्ट में हम लोग पढ़ाई करते हैं, आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, जो लास्ट में आप पढ़ाई करेंगे वही आपको याद रहता है एग्जाम में। तो मेनली अभी आप लोग कंप्यूटर को अवॉइड कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास 3 सब्जेक्ट बचे हैं, 90% मार्क्स हैं, उसमें आप लोग गेन कर सकते हैं। 90 में से 90 किसी के नहीं आते हैं, लेकिन हाँ आप लोग 75 कर सकते हैं। तो 75 से ऊपर कभी किसी की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। लास्ट टाइम भी आपको पता है कि कट ऑफ जनरल की बॉयज़ की 72% गई थी। सो अब आप लोगों के पास 90% सिलेबस मैंने बता दिया है। 10 के लिए आप लोग अभी टाइम वेस्ट मत करिए, 3 सब्जेक्ट करने हैं, 8 घंटे की स्टडी आप लोगों के लिए इनफ है। अब जैसे आप लोगों ने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है आज से, या जो 1-2 महीने से अभी स्टार्ट करने वाले होंगे, लेकिन अब आपके पास ये बेस्ट टाइम है स्टडी को स्टार्ट करने का। अगर आप लोग सोचेंगे कि एग्जाम आने के बाद जब इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे तब तैयारी करके, तब कुछ नहीं होने वाला आपका सिलेक्शन। तो अभी आप लोगों को ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए। आज मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, आज से अपने स्टडी प्लान इस अकॉर्डिंग बना लीजिए जो मैंने बताया, और आप यकीन माने आप लोगों का सिलेक्शन। तो तब तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर